करम की तजली दिखा मेरे मौला। रात को जब चाय बनाते हो ना तो बर्तन तो धोया करो ना। किसने बनाई है रात को? तुमने बनाई होगी। नहीं, ये कल शाम की बनी हुई है। ये कल शाम के चाय के बर्तन है? और मैं जो रात का बनाई थी, पता है उठने से पहले मैं चाय रखती हूँ। और बर्तन भी है, बाटा भी है, तो जब तक दो ले लो, एक मेला हो तो दूसरा पड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, देर से उठे थे, जाहिर सी बात है सैटरडे संडे मौजें होती हैं हमारी। ये देखें, ये सिकंदर की फरमाइश है। सिकंदर आज खाएगा अंडा घोटाला, टमाटर और अंडा। ये कभी कभी ये ऐसे तरीके से भी अंडा खाता है, अंडे का कीमा विथ टमाटर। ये कह रहा है कि मैं चिलड़े के साथ आज खाऊं। चिलड़ा इसको बहुत पसंद है, नरम नरम। एक चिलड़ा इसके साथ खाएगा, एक चाय के साथ। तो इसको रखते हैं साइड पे। और असद को लगी है भूख, ज़ोरों से भूख। तो असद तो खाता है पराठा और चाय। ये आटा गूंधा हुआ है, तो पहले पहले इसको ढक देते हैं। इनको ऐसे करके ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये जल्दी में बन जाता है। इसको कवर कर दिया अपने दूध की तरह। आप लोगों ने कहा था ना कि आप चाय का फुल दे दें कि कैसे बनाती हैं आप, तो आज देखिएगा। तो पहले तो हम चाय बनाएंगे क्योंकि असद को लगी है ज़ोरों से भूख। तो चाय में पानी डालूंगी आधा लोट। ये मुझे पता है कि मैं चीनी कितनी रखनी है, हर किसी का अपना हिसाब होता है। जैसे मैं अपने किचन की मलका बन गई हूँ अब। क्या बन गई है? मलका। मेरा ससुर मुझे कहता था तू मेरे घर की मलका है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। और जो जो ये अल्फाज सुन रहा है मेरे ससुर के लिए, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जन्नत में उनको जगह दे। बहुत अच्छा और नेक इंसान था। जैसे वो चला गया है तो मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से यतीम हो गई हूँ। एक जब मेरा बाप चला गया था, उसके बाद मेरा ससुर ही मेरा बाप था। बड़ा अप्रिशिएट मुझे करता था, कहता था साजदा में तुम्हें वहाँ देखना चाहता हूँ। और बहुत खुश होता था, मेरा सब्सक्राइबर था, मेरे वीडियोज़ वॉच करता था, शेयर करता था फॉरेन में। ये वो जैसे पढ़ा लिखा मेरा ससुर था, वेल एजुकेटेड था अल्लाह पाक। और सिकंदर जैसा था। कभी मैं कम्युनिटी में उसकी पिक रखूंगी, आप देखेंगे कि सिकंदर को हटा के इसको रखें। और सिकंदर के और भाई बहन हैं, मगर सिकंदर वाहिद है जो अपने अबू की हम शिकल है, और सिकंदर उनका बड़ा बेटा है। तो वो मुझे कहता था बेटा सिकंदर एज अ गिफ्ट है तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से और मेरी तरफ से। अभी बस उसकी यादें हैं और लगता है वो मेरे साथ है, दुआएं देता है। और ये जो मेरी कामयाबी है इसके पीछे एक तो मेरे हस्बैंड का हाथ है और मेरे ससुर का। और जब मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आई तो उसको इतनी खुशी हुई ना, वो मुझे आइडियाज देता था। अभी वो होता मेरी कामयाबी देखता मैं बड़ा खुश होता। पर शायद उनकी ज़िंदगी इतनी थी और मैं उनको बहुत याद करती हूँ, दिल से याद। मैं उनकी खैरात भी करूँगी। ये चाय हमारी रखी हुई है। ये टमाटर देखें बिल्कुल भी, जब आप इनको ना लाइट स्टीम पे रखेंगे ना ये गल जाएंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी अब आँच कम करेंगे ना जल ना जाए। आप कहते हैं ना कि आप टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े क्यों नहीं डालती, वो इसीलिए है क्योंकि सिकंदर को टमाटर की खालें जहर लगती है। ये देखें, बड़े रखने से इनकी खालें आसानी से चली जाती हैं। ये पड़ी हुई है, निकाल ये। अरे छोड़ो बिचारी, छोटी है। ये नजर, ये देखें इतनी को भी नोट करता है, पता नहीं क्या इसको टमाटर बहुत पसंद है। और सुबह को ये तली हुई चीजें खाता है।
तो करे मेरे असर जिसकी सादत में शामिल नहीं, इसमें थोड़ा ऑयल जाएगा। अभी क्या कर रही है ये तू? थोड़ा ऑयल जाएगा क्योंकि अंडा पड़ेगा ना। क्या हो गया है? सब्सक्राइबर कहते हैं जल्दी करो जान, थोड़ा भूख लग रही है यार, तेरे को बातें करनी है। वो कहते हैं कि सिकंदर आप साइडा को आप करके बात करो, आप समझे? आप जो है ना काम थोड़ा जल्दी आप कर ले, जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते, आप जो मेरे मीत ना होते, ना होते होंठों पे मेरे गीत ना होते। इतनी तारीफ सुबह सुबह नहीं, प्यार आ रहा है, मक्के जो तेरे लगा रही है सुबह सुबह। आज तुम पे प्यार आया है बेहद, ओ भी नहीं, आज प्यार आ रहा है। नहीं तेरे को पता है ना, हफ्ता हो गया, आ गया आ गया सलमान खान। सलमान खान की बॉडी अब देख, वो जो नहीं है मुर्गे के खंबड़ाटे वो हो गई है। दिन भर बन रही है, जल्दी से बड़ा हो जा, शादी कर तो मैं तुम्हारी दुल्हन से नाश्ता बनवाऊं, बैठी रहूं। ये देखो आ गया, रोटी बनी है कि नहीं? क्या करा था? रोटी बनी है कि नहीं? ऑर्डर कराया मेरे ऊपर, दो दो ऑर्डर है। पिज्जा ऑर्डर करियो, पिज्जा इसके ऑर्डर और इसके ऑर्डर, दो दो बच्चे हैं मेरे, और ये कहता है मेरे दो दो बच्चे हैं। हालत है भाई, मैं अंडा लेके आती हूँ। ये इस तरह से अंडा जाएगा। और तो तेल कर की हाँ। अंडा जाएगा, पकने दो, पकने दो उसको, सबर करो, जल्दीबाजी नहीं करो। नहीं पकने दो, गरम हो गई है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु आखिर हो। ये देखें चाय भी हमारी यहाँ से रेडी हो रही है माशाल्लाह से, कलर भी बहुत अच्छा आया। इसमें थोड़े मसाले डालूं, इसको थोड़ा पकाना है। ये देखिए सारा मिक्स तो करो, हर कोटे को पूरे को उठाओ तो सही। इससे अब इसको टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। ये तो मगज मसाले डाले, हाँ मगज बन गया ये अंडे का मगज। हाँ जो मसाले डाले उसमें थोड़ी मिर्ची की डाल, नमक। अरे मुझे पता है, ये मुझे क्यों सिखा रहे हो? हाँ। मैंने पहले भी एक मरतबा बनाया। हाँ तो 10 साल में एक बार दो, ये थोड़ी तरह डर से मेरी अंडे की बदबू मारने की। ये देखें ये इसमें मसाले डाले, लाल मिर्ची, थोड़ी हल्दी, नमक और सूखा धनिया। ये ऐसे बनता है जैसे मगज, हालांकि हम लोगों का मगज खराब हो गया है, मगर अंडे का मगज सलामत है। ये इसकी फेवरेट डिश है और मुझे वो सब्जी वाला अंडा पसंद है। दे रखा असद को भूख लगी है, पहले असद का पराठा लगाते हैं फिर सिकंदर का चिलड़ा। ये डेली की हमारी रूटीन होती है, जल्दी जल्दी रोबोट की तरह। और दोपहर का खाना ना मैं आराम से बनाती हूँ। दोपहर का खाना बनाती है? हाँ। अच्छा क्यों? कभी कभार नहीं, नहीं बनाते हैं कभी कभार। हम जब बाहर जाते हैं ना तो फिर वहाँ से दही लेके आते हैं और नान, पर घर में होती हूँ ना तो ये मुझसे बनवाता है। अच्छा। अगर ये घर पे नहीं होता तो फिर मैं नहीं, मैंने कहा ना ज़बरदस्ती मुझसे खाना बनवाते, क्योंकि इसको बाहर के खाने नहीं अच्छे लगते और पेट खराब हो जाता है। और मेरे सब्सक्राइबर आपको कह रहे हैं कि सिकंदर ना बाजी को कल वाले वीडियो में खुश देखकर हमें बहुत खुशी हुई, प्लीज़ इसे ऐसे ही खुश रखा करें। मेरी
छत पे जो गई थी खुदकुशी करने? नहीं यार, नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें खुशी हुई कि ये खुश हुई, ये हंसी है, तो इसको ऐसे ही खुश रखा कर, समझ गए? नहीं, मेरी वो सिफारिश कर रहे हैं मेरे भाई। उनको क्या पता के तुम इतने अजाब में हो, इतने खुश। यार जल्दी करो खाना, दुनिया के खुश नसीब इंसान तुम हो। बातें कम करो, काम करो। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करें आराम, आराम करें आराम। डायमंड मल्टीफोम? नहीं अरे, डायमंड थोड़ा ही, बाकी डिंटोनिक पाउडर वो दूसरी थी, वो डिंटोनिक वो जो पहले पीटीवी पे चलती थी एड्स, वो पूरी मुझे याद है। एक वो भी है, या खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, या खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। जो क्या था, मेरे अब्बू मेरे लिए नौरोज शरबत लाना। कितना अच्छा होता था वो दौर। और ये जो जिसका मैंने अभी रिव्यू किया, ये स्टेट बैंक का था। जल्दी करो यार, भूख लग रही मम्मी, है। मम्मी मम्मी, मुझे ना एक एक दूसरी भी एड आती थी, मैं भूल गई हूँ। मम्मी क्या बना है, कस्टर्ड जेली पता नहीं इस टाइप की कोई थी, स्टिलमिंस की थी, होती थी। और डेंटोनिक की तो बहुत अच्छी लगती थी, बार बार वो जो फाइल बोर्ड पे जमीन से जंप लगाता था, फाइल बोर्ड पे चढ़ जाता था। हाँ, और दूसरी सैमसोल शैम्पू की गाना भी चलता था, बहुत मजे होते थे उस टाइम। सिकंदर कितने इतने, हमारी छोटी सी टीवी होती थी, हम देखते थे खासकर एडवर्टाइज। देखें असद के लिए पराठा बन गया, माशा अल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हारी शान, शुक्र के हमें आपने अच्छा सा खाना नसीब किया। ये देखिए, और सबको ही करे अच्छा सा खाना। हाँ, जो जो ये वीडियो देख रहा है उनके घर में बरकत दे, और वीडियो देख रहा है जो जो और नहीं, सबको, सब इंसानियत को। अपना घर अपना होता है, और जो बेचारे सैलाब जदगान हैं, अल्लाह पाक उनको भी जल्दी से उनके लिए कोई वसीला निकाले कि वो अपने घरों में जाएं, और घर तो उनके अब रहे नहीं हैं तो वो अपने घर बनवा सकें, क्योंकि वो बेचारे कैंप्स में रह रहे हैं। खाना पीना तो चलो मिल रहा है, मगर अपने घर का मज़ा तो नहीं है ना, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सारी इंसान जो भी है ना, सबको खुश रखे। पता है मैं सबको, सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, सबके लिए। पहले पहले हम असद को खिला दें, फिर खुद। चाय हमारी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ये रिज़्क उसके पेट में जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं ले जा रही हूँ, आइए। ये ऐसे ही खाता है ना, ये सब्ज़ी नहीं खाता, अच्छा बच्चा है मेरा। अभी ये दूसरा पराठा मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि सिकंदर ने कहा कि पहले गंदम की रोटी बना लो फिर चिलड़ा डालो। खाऊंगी तो मैं वैसे ही लास्ट में, पर ये कह रहा है कि बना लो पराठा। फिर क्या होता है कि ना, ये जो तवा है ना, इस पर ऑयलिंग हो जाती है, तो पहले गंदम की रोटी बना फिर चिलड़े डालेंगे ना, तो वो सही रहेगा। और चिलड़े आज दो बनेंगे, और मैं इतनी जल्दी जल्दी में स्पीड में आज काम कर रही हूँ ना, एनर्जी आ गई है माशाल्लाह का। ये मैं दूसरी तरीके से भी पराठा बनाती हूँ, मगर आज सिकंदर ने कहा बहुत बोर हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है,
कोई तो है जो, ये मेरा फेवरेट हमद है। निजामे हस्ती बाबा माशाल्लाह। हमें भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजली दिखा मेरे मौला। ये उनके लिए है मौलूद, जो कहते हैं आप खाना पकाएं और मौलूद और नाते गए गाने कम गाया करें, तो ये डेडिकेट भी उनको। हमें भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजली दिखा मेरे मौला। हाय हाय, वो कितनी खूबसूरत सुबह होगी, वो कितनी खूबसूरत रात होगी जब मैं मदीने में होंगी, सामने मेरे काबतला शरीफ का नज़ारा होगा। मेरी ख्वाहिश है मैं वहाँ नमाज पढ़ के इतना रहूँ कि जब से पैदा हुई हूँ और इस एज तक इतना रो के मैं नमाज पढ़ूँ। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक ये मुझे नसीब करना दें। दूसरा पराठा भी हो गया, जिन चीज़ों का काम चला गया उनको साइड पे रखते हैं। अभी है चिलड़े की बारी, इसका थोड़ा बहुत काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा पानी जाएगा, मुझे क्या पता। ये देखो बहुत ही घाटा है, ज्यादा पतला भी नहीं करना इसको। नहीं पता है तुम्हारा। इसकी जो ना रोटी आज अच्छी बनेगी, जबरदस्त बनेगी, बताए क्यों? बताओ। क्योंकि उसको गूंद के तुमने रखा हुआ था ना, 20 मिनट हो गए ना। रोटी तो अच्छी बनेगी अल्लाह पाक, बेहतरीन बनेगी आज। क्योंकि पहले तो तुम उसी टाइम बना के और रोटी बना दी ना, अभी इसको थोड़ा टाइम मिला है, पड़ा हुआ था। ये देखें, पहले मैंने आटा गूंदा, फिर इसमें पानी ऐड किया, चिलड़ा इससे बनता है। हेलो चल, तब भी प्यार से बीवी से बात करते हैं, इस्लाम में है। नहीं करता हूँ तेरे प्यार से बात, काम कर अपना। गुनाह मिलेगा। अरे यार रोटी दे। तो कर तो रही हूँ काम। तू इतना सर पका रही है। हाँ ऐसे कुछ समय पे डालिए, कुछ आसरा हुआ के चलो खाना जल्दी मिलने वाला है। खाना तुम्हें मिलता है, शुक्र अदा किया करो बस हर टाइम अपने रब का। जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं उनसे पूछो। अब हम किनारों को ऑयल लगाते हैं, हल्का हल्का, रोज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये फिर पलटने में आसानी करेगा। काफियों का टूट जाता है ना, इसकी फ्लेम तेज रखते हैं। नहीं ये नहीं टूटेगा, अगर इसको ऑयल नहीं भी लगा देंगे, क्योंकि आटा तुमने काफी टाइम रखा हुआ है ना, ये नहीं टूटता कभी भी। और ये बेहतरीन चिलड़ा बनेगा, ये भी तेरे को मैं बताऊं। तो बाद याद आ, मैं नाराज हो गए ओके जाऊंगी व्यूअर्स 2-3 दिन के लिए। कब जाऊंगी? फिर तो मैं पता चलेगा कि बीवी क्या होती है, बीवी की अहमियत क्या होती है। नहीं नहीं, तुम कहते हो ना कि मैं कुछ भी नहीं करती, तो पता तुम्हें चलेगा। ये कहता है तू कुछ भी नहीं करती, भाई तू नाकारा खटारा मशीन है। यकीन करोगी ये तेरा वीडियो बना बना जैसे ही उठाऊ ना, आंखों के अंदर अंधेरा आ गया। क्यों नहीं, जब मैं 2-3 दिन कहीं चली जाऊंगी ना, यकीन करेगी, इत्तेफाक करेगी, ये रोजी पड़ी है, जैसे ये तेरा वीडियो बना के जैसे ही उठाऊ ना मैं, आंखों के अंदर अंधेरा आ गया। मैंने कहा कहीं गिर ना जा। क्यों चक्कर आ रहा है? क्यों हंसा रहे हो? साथ कोई मगजमारी करना कोई आसान है? सब्सक्राइबर को क्यों हंसा रहे हो? कह रहे चक्कर आ गए है इसके साथ, क्या मसला? वो गलत समझेंगे कि कभी इसको खट्टी चीजें खाने का दिल कर रहा है। मुझे क्या, भले कमेंट देंगे। ये देखें लाइव चिलड़ा आज तैयार है हमारा, और तवा लगता है अपने जोश में आ गया है। ये लो व्यूअर्स, ये देखें ये चिलड़ा इसका तैयार हो गया। और इसकी बात सही थी कि जो पहले आटा गूंद के रखते हैं ना वो टूटता नहीं है, और ये अंडे का मगज भी तैयार।
अभी आप खाएं, चलें। सर ये देखे दूसरा चिलड़ा भी आ गया माशाल्लाह। नाश्ते का व्लॉग कैसा लगा? ये नाश्ता कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। अगर पसंद आए तो लाइक कर, असद ने रोटी भी खाई और थोड़े बिस्किट भी खाए, तो मैं आपके लिए चाय लाती हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा।